तरबगंज अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम मानदेवा पूर्वा, धड़कन पूर्वा, कोयरेन पूर्वा में टीएनआई ने विकास कार्य का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामवासियों ने एक स्वर में बताया कि लगभग 1.5 साल का वक्त गुजर गया है। गांव में बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर तथा बिजली के खंभे पर तार तो लग गए, लेकिन बिजली की सप्लाई अभी तक चालू नहीं की गई है। यही नहीं, बिजली का मीटर, तार बोर्ड आदि विद्युत सामान कुछ लोगों को कर्मचारी देकर चले गए। समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सभी ग्रामवासियों ने एक मत से कहा कि उन्हें सरकारी योजनाएं सिर्फ नाम मात्र ही मिली हुई है और काफी सरकारी योजनाओं से अभी भी ग्रामवासी वंचित हैं। बोल दे पहले आगे। दादा आपका नाम क्या है? विजय नारायण सिंह। आप हमें इस समय यहाँ कहाँ खड़े हैं? आप मानादेव पुराव में खड़े हैं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? श्री प्रेम नारायण पांडे जी। अच्छा, क्या समस्या आपको आ रही है? एक समस्या हमारी है, 1.5 साल खंभा लगे हो गया है, अभी तक लाइट नहीं आई है। अच्छा, बस 1.5 साल से तार खिंच चुके हैं, बिजली का खंभा यहाँ लग गया है, लेकिन लाइट की व्यवस्था आपकी यहाँ पे नहीं हुई है। आपने कभी किसी को कुछ बताया? कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, आप ग्रामवासी तीनों पुरवा के जब देखे कि निराश हो गए कि लाइट नहीं आना है, तब इन लड़कों को जो है ये सभी लोग मिलकर जागरूक है, आप लोगों को बुलाया गया। चलिए, मीडिया तो आपके साथ है, हमारे यहाँ पे पूछने का आपसे मतलब ये है कि कभी आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सूचना दी कि 1.5 साल का वक्त गुजर गया है और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं आई? जी नहीं, आपने अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताया। ऐसा तो शायद नहीं हुआ। अच्छा, मैं परेशानी में मात्र मुद्रा ये है कि यहाँ 1.5 साल हो गया है और लाइट यानी पोल वगैरह गड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ कनेक्शन चालू नहीं किया गया और हमको सबको परेशानी बहुत है। और हम यहाँ श्री संसद जी के पास भी गए थे, कम से कम हो गया 1 साल से ज्यादा, और इधर मंत्री पास के भी जी के पास गए थे पंडित सिंह, और उसके बावजूद यहाँ विधायक के पास भी गए थे। उन्होंने कहा था, सभी ने कहा था लग जाएगा बहुत जल्दी, 3 महीने में लग जाएगा। 3 से आज कम से कम 2 साल 1 या 1.5 साल बीत चुका है, फिर भी लगा हुआ नहीं। और हम ग्रामवासी बहुत मजबूरन है, आजकल पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिक्कत होता है, लाइट तो मेन मुद्रा सबसे ज्यादा, तो लाइट होनी चाहिए आजकल के जमाने में सब, और कुछ मिल पाता वाता है नहीं। तो हम सबको मतलब दे दिए थे पहले, इसलिए आप उसके बाद में आप सबको बुलाया गया मीडिया वाले। अच्छा, एक चीज बताओ, आपके यहाँ पे सरकारी योजनाओं से आप वंचित हैं, मतलब सुविधाएं आपको परमानेंटली नहीं मिल पा रही? जी नहीं मिल पा रही है। उसके विषय हम सब जैसे जो सरकारी योजना मिल रही मतलब आती है वो हमको सबको उतना नहीं मिल पाती है। और मेन मुद्दा यही है कि लाइट अगर लग जाए, अच्छे मेरा मतलब यही कि लाइट लग जाए। थोड़ा सा तेज बोलिए, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये कि लाइट आ जाए, खंभा लगा है तो अब सोचते हैं कि अब आएगी अब आएगी। आप आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारी 40 साल। 40 साल आपकी आंखों ने भी लाइट की सुविधाओं को नहीं देखा? नहीं देखा, हम देखा ही भी नहीं, हमारे गांव जो है ही नहीं तो कहाँ देखा। वही चीज है, वही चीज़ है। अंधेरा वगैरह कहूँ बिछी छेती है, कहूँ सांप छेती है, वो सांप आ जाते हैं घर में, अंधेरे में क्या करें। राशन भी नहीं मिला था, कुछ राशन भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमें, सबका बोटा बोटा भी नहीं मिला था। और साहब हमारे यहाँ आग लग गई और आज तक के लिए पालने मुझे दिया पैसा नहीं आया, बहुत परेशानी। कब आग लग गई थी आपकी भैया? मेला के दिन है। कितने दिन पहले लगी थी? कितना साल हुआ? अभी मेला कब होता है भैया जी का? नवंबर में। नवंबर 2018 में आग लगी थी, आपको पैसा नहीं मिला? बहुत परेशान है, पल्ली लगाए के कॉलोनी भी नहीं है, आपको समय से सहायता दिया जाए। और वो आंगनबाड़ी का भी सुविधा नहीं है मेरे गांव में, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए पढ़े, कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी यहाँ पे नहीं है? नहीं, आंगनबाड़ी नहीं मिल रहा सुविधा। आंगनबाड़ी है तो शुक्लपुरा में आंगनबाड़ी बना, छोटे छोटे बच्चे शुक्लपुरा में जाए क्या? एक दो साल तो है, आपको पड़ता शुक्लपुरा, आपको जाना जिला को पड़ता है, आप यहाँ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है शुक्लपुरा उठा रहे हैं। पांडे है। अच्छा, हम यहाँ पे आए हैं तो आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके गांव के वासियों ने मतलब ये समस्या उठाई कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो आपने कभी इस बारे में जो है किसी को बताया या? नहीं, हमने इस बारे में मौखिक रूप से बात किया था। अच्छा, जो काम करवा रहे हैं तो उन्होंने यही कहा था करा देंगे, लेकिन अब 1.5 साल से टाल रहे हैं, नहीं कराए वो।
मौखिक रूप से हमने शिकायत किया। अच्छा, मौखिक जी, लिखा पढ़ी हमने नहीं किया था। गांव वालों ने कुछ जो है टोल फ्री नंबर पे शिकायत किया था, उसके बाद ट्रांसफार्मर रख दिए गए हैं, लेकिन अभी इन लोगों को बिजली। अच्छा।